इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, एंगल ऑफ डिप बढ़ेगा, एंगल ऑफ डिप बढ़ेगा। लिखा बेटा, क्लियर है? सवाल लिखो, एक खुद से करोगे। लिखो बेटा, अपरेंट डेप फॉर टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अपरेंट डेप फॉर द टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बेटा, बेटा ये मान लेते हैं हम मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है बेटा। हमने दो प्लेन लिया, ये प्लेन वन है, ये एंगल थीटा है, दूसरा प्लेन है बेटा ये प्लेन टू, और ये एंगल बेटा कितना है 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो क्या आप लिख सकते हो टेन डेल्टा वन, या टेन डेल्टा वन इज इक्वल टू टेन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, लिख सकते हो बेटा कि नहीं? क्लियर है? आ गई बात? या इसको आप उल्टा लिख दो, कितना वन अपॉन टेन डेल्टा वन इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन डेल्टा, लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं है? सेकंड के लिए लिखूं मैं अगर, तो मैं लिखूंगा टेन डेल्टा टू इज इक्वल टू कितना बेटा टेन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा। बेटा क्या यह आ जाएगा टेन डेल्टा डिवाइडेड बाय साइन 90, सॉरी साइन थीटा। क्लियर है? या यही से बेटा मैं लिख सकता हूं वन अपॉन टेन डेल्टा टू इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन डेल्टा। बेटा इनका नाम रखते हैं हम वन और इनका नाम रखते हैं हम टू, तो वन प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? देखो ये डेल्टा टू था बेटा, ये आ जाएगा वन अपॉन टेन स्क्वायर डेल्टा वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर डेल्टा टू इजिकल टू बेटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर डेल्टा। बेटा ऊपर आ जाएगा वन, तो वन डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर डेल्टा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, इसको उल्टा लिखोगे तो क्या लिख सकते हो बेटा? कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू इजिकल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। क्लियर हुआ बेटा? इस फार्मूले पर भी बेटा ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं कई बार, तो इसको छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़े बेटा, देखो अब हमने एक चीज पढ़ी थी अगर आपको याद हो, टेन डेल्टा क्या था बेटा? क्या ये था b वर्टिकल डिवाइडेड बाय b हॉरिजेंटल, और b नेट कितना था बेटा? क्या b नेट था आपका b हॉरिजेंटल स्क्वायर प्लस v वर्टिकल का स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो बेटा इन दोनों पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन बेटा। एट अ प्लेस हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल, या सेम कर दो बेटा, इज सेम, फाइंड द एंगल ऑफ डिप एट दैट पॉइंट, फाइंड द एंगल ऑफ डिप एट
दैट पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन देखो, tan डेल्टा इज इक्वल टू v वर्टिकल डिवाइडेड बाय v हॉरिजॉन्टल दैट इज 1, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना बेटा 45 डिग्री। अब वो बात याद रखना बेटा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा तो ये प्लस और माइनस साइन के साथ पूछ सकता है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव और साउदर्न हेमिस्फीयर में बेटा नेगेटिव होता है। ये एकदम क्लियर है कि नहीं? पक्की बात, आगे बढ़ जाए, छाप लो ये बातें। अगला लिखो बेटा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज 0.6 यूनिट एंड वर्टिकल कंपोनेंट एज, एंड वर्टिकल कंपोनेंट एज 0.2 यूनिट। देखो बेटा, हमने बोला बी हॉरिजॉन्टल कितना है 0.6 है, और बी वर्टिकल कितना बेटा 0.2 है। हमसे पूछा गया फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ, एंड एंगल ऑफ डिप। लिखा बेटा, देखो इधर, अगर बेटा हम बात करें बी नेट की, तो बी नेट कितना आएगा, क्या ये आएगा बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कितना 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा, यह आ गया 0.36 प्लस 0.04, क्लियर है कि 0.4, 0.04 आएगा बेटा, ये कितना आ गया 0.40, क्लियर बेटा, और सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, क्लियर हुआ कि नहीं। आगे बात बेटा, अब हमसे पूछा गया था बेटा एंगल ऑफ डिप, तो tan डेल्टा होता बेटा b वर्टिकल डिवाइडेड बाय b हॉरिजॉन्टल, क्लियर है कि नहीं है, तो v वर्टिकल कितना बेटा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, ये कितना आ गया बेटा 1 डिवाइडेड बाय 3, तो डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया बेटा, क्लियर है कि नहीं है, छाप लो, छाप लो बेटा। छाप लिया, आगे बढ़े, लिखो बेटा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंगल ऑफ डिप इज, एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, फाइंड द अपरेंट एंगल ऑफ डिप, फाइंड द अपरेंट एंगल ऑफ डिप विच मेक्स 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक मीडियन। देखो बेटा, tan डेल्टा, बेटा इसमें डेल्टा कितना दिया हमें 30 डिग्री, तो बेटा अगर मैं लिखूं tan डेल्टा डैश, तो क्या मैं लिखूंगा tan डेल्टा डिवाइडेड बाय cos 60, क्लियर है बेटा कि नहीं है, tan डेल्टा कितना बेटा tan 30 डिवाइडेड बाय cos 60, क्लियर है, tan 30 कितना बेटा 1/√3 और cos 60 कितना बेटा 1/2, क्लियर है बेटा कि नहीं है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2/
रूट थ्री। कैलकुलेशन क्या कर लेना बेटा, टेन डेल्टा डैश, तो डेल्टा डैश कितना बेटा, टेन इनवर्स टू बाई रूट थ्री। ये आंसर है बेटा कि नहीं है, क्लियर है, छाप लो। एक चीज देखो बेटा, पहले बता दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर से सुनो। किसी भी जगह पर अगर कोई प्लेन मैग्नेटिक मीडियन के परपेंडिकुलर हो जाए, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा आता था, कॉस 90 आएगा कि नहीं आएगा, कॉस 90 कितना होता है बेटा, जीरो होता है कि नहीं, तो उस केस में अपरेंट कितना आएगा बेटा, उस केस में अपरेंट आएगा आपका 90 डिग्री। छाप लो एक बार, फिर लिखाता हूं। क्लियर बेटा, देखो एक बार, फॉर एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मिरीडियन अपरेंट एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, अपरेंट एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। अच्छा यही एक बात और, जो आपकी बेटा मैग्नेटिक कंपास होती है ना, आप उसके हेल्प से कभी पोल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों बेटा, बात सुनो, पोल्स पर ये क्या करेगा, अगर बात करी जाए क्या पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 होता है बेटा, नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट देखो, बहुत सारी जगह पर एंगल ऑफ डिप क्या होता है बेटा, 90 डिग्री आ सकता है कि नहीं। तो लिखो बेटा ऐसे पॉइंट बना के लिख दो, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल वी कैन नॉट आइडेंटिफाई पोल्स ऑफ अर्थ, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई पोल्स ऑफ अर्थ बिकॉज एट पोल्स एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, आगे बात। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा इसे, आप ही सोचेंगे बेटा। लिखो क्वेश्चन, एट अ पर्टिकुलर प्लेस Particular place, angle of dip is 30 डिग्री मैग्नेटिक एक्सेस एंड ज्योमेट्रिकल एक्सेस इज नियरली 11.4 डिग्री। बेटा एक डेटा है उसको याद रखना, ठीक है। अब सुनो, 11.4 डिग्री लिखो बेटा, बेसिकली ये एंगल टाइम के साथ चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। तो भैया जो हम आज पढ़ रहे हैं ना, इतना जल्दी नहीं चेंज हो जाएगा कि आप सोचो कि आज हमने पढ़ाई है और बोर्ड तक फिर चेंज होके बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात ये, क्लियर है बेटा, ये कई पीढ़ियों बाद हमारे बच्चों के जाके क्या होगा बेटा, कुछ चेंज इसमें ऑब्जर्व होगा 100, 200, 300, 400 साल बाद। तो ऐसे दुखी मत होना, ठीक है, क्लियर करना एक्स वेरिएबल। तो ऐसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई,
अच्छा सुनो बेटा एक बात, इससे अगर मान लिया 11.4 कहीं नहीं गिवन है तो जो 11.4 के नियरेस्ट वैल्यू होगा वो टिक कर देना। लिख लो, अगर एग्जाम के 11.4 नहीं गिवन है तो इसके नियरेस्ट वैल्यू को हम सही मान लेते हैं, इसके नियरेस्ट वैल्यू को हम सही मान लेते हैं। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात चलो, लिखो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट लिखा। देखो सर बेटा ये अर्थ है आपका, यह आपका क्या था बेटा, आप मान लेते हैं मैग्नेटिक एक्सिस था, यहां पर मैग्नेट रखा था, ठीक है। इस मैग्नेट में अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ था मैग्नेटिक, तो यहां पे साउथ पोल था और यहां पर क्या था बेटा नॉर्थ पोल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा यहां पर जाएगा, क्लियर है कि नहीं है? तो लिखो बेटा बना लो कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट। अच्छा नल पॉइंट लिख बता देता हूं क्या होता है, लिखो बेटा इफ वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट फॉर सम पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिक निडल प्लेस नियर इट So, random deflection or no deflection. That means. At that point, force experienced by the magnetic needle is zero. Clear beta? Known as null point. ध्यान से सुनना बेटा, आगे important line है, लिखो बेटा। At the position of null point, magnetic field due to the bar magnet. is equal and opposite to the horizontal component of earth magnetic field. ध्यान से सुनना, earth के magnetic field के equal और opposite नहीं है, horizontal component के equal and opposite है, to the horizontal component of earth magnetic field. लिखा बेटा कि clear है? आगे बात समझ में, लिख लो छोटी की बात बेटा, बार मैग्नेट का साइज बहुत कम होता है तो उसके आसपास हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर हुआ बेटा? तो सुनो बेटा, अब देखो इस नॉर्थ से निकला होगा बेटा साउथ की तरफ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे, ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इधर होगा आपका ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और इधर क्या होगा बेटा आपका ज्योमेट्रिकल साउथ, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो इस नॉर्थ पोल से निकलता बेटा साउथ पोल पर गई है सरफेस के थ्रू, क्लियर है? पहला ओरिएंटेशन है बेटा, इधर देखो इस तरीके से हमने बार मैग्नेट रखा है, क्लियर है? कैसे रखा है इधर देखो, यह बेटा अलोंग द एक्सिस, कौन सा एक्सिस बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस, क्लियर है कि नहीं बेटा? इधर देखो यहां इसका बेटा नॉर्थ पोल है, यहां इसका साउथ पोल है, तो और कैसे रखा बेटा, नॉर्थ पोल टूवर्ड्स
ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। क्लियर है बेटा? क्लियर। अब इधर सुनो ध्यान से बेटा, यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहां पर क्या होंगे बेटा, इन होंगी। तो यहां बेटा डायरेक्शन सेम है। अब देखो ऐसे इस तरीके से आएगा बेटा, नहीं आएगा कुछ। तो यहां इक्वल और अपोजिट हो सकते हैं, यहां इक्वल और अपोजिट हो सकते हैं। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो इस केस में बेटा क्या होगा, दो नॉर्थ पॉइंट मिलेंगे। लिखो बेटा ये केस बना लो, लिखो टू नॉर्थ पॉइंट्स एट इक्विटोरियल पोजीशन, एट इक्विटोरियल पोजीशन फ्रॉम इक्विटोरियल पोजीशन फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द मैग्नेट, फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द मैग्नेट। बेटा मैग्नेट के ईस्ट और वेस्ट साइड मिल रहे हैं, क्लियर है कि नहीं? आगे बात। अब सुनो बेटा, मान लो यहां से आर दूरी पर ये जीरो हुआ, तो बेटा हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? इधर देखो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल, ये इक्वेशन चलेगा यहां पर। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात बेटा कि नहीं है? तो बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? छाप लो, छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। क्लियर हुआ बेटा? देखो अगला जो ओरिएंटेशन है, सेकेंड ओरिएंटेशन देखो बेटा, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। और इस बार बेटा मैग्नेट हमने ऐसे रखा, इधर साउथ इधर नॉर्थ। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो देखो इधर, यहां मैग्नेटिक फील्ड बेटा इन होगा, यहां पर आउट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा तो दूसरी लाइन बनाएंगे हम, कुछ ऐसा बनाएंगे। इधर देखो इस तरीके से, तो इस बार यहां कहीं जीरो होने के चांस है, ये होगा एक नल पॉइंट और एक यहां कहीं होगा बेटा नल पॉइंट। अब इस बार मैग्नेट कैसे रखना बेटा, अलोंग द एक्सिस साउथ पोल फेसिंग ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। लिखो बेटा केस टू, बार मैग्नेटिक प्लेस along the axis and south pole facing geometrical north। तो null point कितने आएंगे बेटा? लिखो maximum या two null points along the axis of the magnet, along the axis of the magnet। बेटा यहां से मान लेते हैं आर दूरी पर मिला, तो हम क्या लिखेंगे? इधर देखो बेटा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम बाई आर क्यूब इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात छापने से, इस पे बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जल्दी छापो। लिखो बेटा क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज नोन टू बी, एट अ प्लेस इज नोन टू बी 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट एट अ कंपास लिटिल प्लेस, and a compass needle place point as shown in the figure, point as shown in the figure।
ये बेटा कंपास देते वैसा प्लेस होगा कैसे एस फॉर इन द फिगर लिखा बेटा आगे लिखो देन जियोग्राफिकल नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय देन जियोग्राफिकल नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ नंबर द डायरेक्शन ऑफ नंबर वन बेटा ये 15 डिग्री है टू ये भी 15 डिग्री है बेटा ये थ्री ये 75 डिग्री है बेटा ये फोर ये भी बेटा ये 75 बोला 75 डिग्री है ये भी कितना बेटा 75 डिग्री है क्लियर है बेटा ये वन टू थ्री फोर में से कौन सा ज्योमेट्रिकल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आंसर आएगा इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा आप भी सोचेंगे बेटा तो अर्थ मैग्नेटिज्म बेटा खत्म हो गया